Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर वन, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने हरियाणा से एक और संदिग्ध को पकड़ा है। पुलिस उसे अपने साथ मुंबई ले आई है। संदिग्ध से पूछताछ में पता चला है कि उसी ने मुख्य आरोपी विक्की और सागर को फायरिंग के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे। इसके बाद और भी पैसे देने का वादा किया गया था। पुलिस सोर्स के मुताबिक ये संदिग्ध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में बैठे भाई अनमोल बिश्नोई के टच में था। नंबर टू, जूनियर एनटीआर की देवरा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया से सामने आई एशियन नेट तेलुगु की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही कई मोटी डील्स क्रैक कर ली है, जिसके जरिए फिल्म देवरा रिलीज से पहले ही करीब 400 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर स्टारर फिल्म देवरा ने ये रकम सेटेलाइट, डिजिटल म्यूजिक और डबिंग राइट्स बेचकर हासिल की है। हालांकि अभी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। नंबर थ्री, सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों के करीबियों के पास भी पुलिस पहुंच रही है। मिली जानकारी के मुताबिक करीबियों के खाते से संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई है। वहीं गांव की जिस महिला के खाते की जांच की गई, उससे विक्की और सागर की काफी नजदीकी है। पति के साथ महिला को दोनों बाहर घूमने ले गए थे। सोर्स की माने तो महिला और युवक के खाते से और 4,00,000 का संदिग्ध लेन देन हुआ है। ये रुपए इनके खाते में किसने भेजे, इसकी जाँच हो रही है। जाँच टीम के पास ऐसी सूची भी अवेलेबल है, जिसके आधार पर वो कुछ दूसरे बैंकों में भी पहुंच सकते हैं। नंबर फोर, हनुमान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अब इस कामयाबी को देखते हुए जय हनुमान का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही राम नवमी के मौके पर मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया। प्रशांत वर्मा ने फिल्म की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ये फिल्म का पहला पोस्टर है जिसमें भगवान हनुमान और भगवान राम का हाथ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से कोई वादा करते हुए नजर आ रहे हैं और पोस्टर पर एक टैगलाइन भी लिखी हुई है। नंबर फाइव, दीपिका पादुकोण की सिंघम अगेन के सेट से फोटो सामने आई है। वो रोहित शेट्टी की फिल्म में फुल एक्शन मोड में नजर आने वाली हैं। सेट से सामने आई तस्वीरों में वो वर्दी में नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें सिंघम अगेन फिल्म के दौरान की है, जहां दीपिका का हल्का सा बेबी बम्प भी झलक आ रहा है। ये पहला मौका है जब वो कुछ ऐसे फिटेड कपड़ों में दिखाई दी है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये ताज़ा फोटोज हैं या फिर पुरानी पिक्चर्स हैं। नंबर सिक्स, सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में सलीम खान ने रिएक्ट किया है। उन्होंने अपराधियों को जाहिल बताया है, साथ ही बेटे के कामकाज को लेकर भी रिएक्ट किया है। सलीम खान ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बेटे पर हुए हमले को लेकर लोगों को जाहिल बताया है। उन्होंने कहा, मैं क्या ही हमलावरों के बारे में कहूँ, ये जाहिल लोग हैं जो कहते हैं कि वो मार देंगे, तब पता चलेगा। पुलिस से हमें ज्यादा सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। नंबर सेवन, बॉलीवुड स्टार विद्या बालन अपनी अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा मूवी दो और दो प्यार दो को लेकर चर्चा में है। ये मूवी 19 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है। इससे पहले मेकर्स ने बीती रात इस मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जहां कई फिल्म स्टार्स पहुंचे थे। इस दौरान बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन से लेकर मृणाल ठाकुर समेत कई सितारों ने पहुंचकर विद्या बालन और प्रतीक गांधी स्टारर इस रोमांटिक मूवी का मजा लिया। इससे स्क्रीनिंग की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। नंबर 8, पिंक विला की एक रिपोर्ट की माने तो पुष्पा 2 के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स को बेहद मोटी रकम में बेचा गया है। अनिल थडानी ने इस फिल्म के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स को पूरे 200 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके साथ ही पुष्पा 2 को हिंदी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करने की जिम्मेदारी अनिल थडानी ग्रुप की होगी। इस खबर से ही फैंस अभी से ही मूवी को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। इसी के साथ पुष्पा 2 ने अपनी लागत करीब करीब पूरी वसूल कर ली है। नंबर 9, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। ऐसा हम नहीं बल्कि शाहरुख खान का वायरल वीडियो देखने के बाद आप भी कहने वाले हैं। दरअसल एक्टर शाहरुख खान मैदान पर अपनी टीम को देखकर इमोशनल होते हुए नजर आए। इस वीडियो को देख फैंस को चक दे इंडिया की याद आ गई। वहीं ये वीडियो अब तेजी से पूरे सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। नंबर 10, ईद पर बॉक्स ऑफिस पर मैदान और बड़े मियां छोटे मियां का क्लैश हुआ। वहीं मैदान के बुधवार के क्लैश की बात करें, ज्यादा जंप देखने को नहीं मिला है। सेक्नेल की रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने 17 अप्रैल को देश भर में 2 करोड़ रुपए कमाए, जिसके बाद मैदान का 7 दिनों में डोमेस्टिक कलेक्शन 27.10 करोड़ रहा। वहीं बड़े मियां छोटे मियां ने 7वें दिन 2.50 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है। वहीं 7 दिनों में भारत में कमाई 48.20 करोड़ की कमाई पूरी कर चुकी है फिल्म। नंबर 11, आलिया भट्ट ने एक बार फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम रोशन कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी टाइम मैगजीन ने अपनी 100 सबसे प्रभावशाली खासियतों की लिस्ट जारी की है, जिसमें आलिया भट्ट का भी नाम शामिल है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा, #time100 का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूं। आपके दयालु शब्दों के लिए सबसे प्यारे #TomHarper को धन्यवाद। नंबर 12,
प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की 97.79 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के मामले में दोनों के वकील का पहला बयान सामने आया है, जिन्होंने राज और शिल्पा की ओर से इस केस को लेकर अपडेट दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने राज कुंद्रा के केस को लेकर कहा है कि उन्हें और उनके क्लाइंट को न्यायपालिका पर पूरा यकीन है, उन्हें भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी और उनके क्लाइंट एकदम निर्दोष पाए जाएंगे। अनुष्का शर्मा ने बीती 15 फरवरी को बेटे अगाय को लंदन में जन्म दिया था और अब वो भारत वापस आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर विराट कोहली के एक फैन पेज से इस बात की जानकारी दी गई है कि अनुष्का शर्मा बेटे अगाय संग मुंबई वापस लौट चुकी है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अनुष्का शर्मा ने एयरपोर्ट पर पेपराजी से वादा किया है कि वो जल्द अगाय से सबको मिलवाएंगी। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की रिलीज डेट आउट हो चुकी है। दोनों स्टार्स की ये फिल्म 11 अक्टूबर 2024 को यानी किसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राज शांडलिए के डायरेक्शन में बनने वाली विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की रिलीज डेट सामने आने के बाद राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इसके साथ एक पोस्टर भी शेयर किया गया है। बॉलीवुड दिवा मलाइका अरोड़ा ने अपने बेटे अरहान खान के साथ हाल ही में उनके वोडकास्टर डम बिरयानी में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा की। इस दौरान अरहान खान ने मलाइका अरोड़ा से उनकी शादी के प्लान पर भी सवाल पूछे। बेटे अरहान खान के इस सवाल का जवाब देते हुए मलाइका अरोड़ा कहती नजर आई कि मेरे लिए मिर्ची खाना बेहतर है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, मुझे नहीं पता कि इसका कोई जवाब है, मुझे लगता है कि मैं अब अपना बेस्ट जीवन जी रही हूँ। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।